हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है ऑफ सर्टन जॉब वेकेंसीज, जैसे कि AGM में, दैट इज रोलिंग स्टॉक, फिर JGM में जो वो भी रोलिंग स्टॉक में ही है, एंड और भी जो पोस्ट्स हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, एंड ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 8 दिसंबर से ही इसका ओपनिंग हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब इज ऑन द 7th ऑफ जनवरी इन द ईयर 2022। तो अभी तक टाइम है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को कलेक्ट कीजिए और फिलअप करके आप सबमिट कीजिए। तो कोई भी जॉब आप लाइक सोच रहे हो फिलअप करने के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जॉब के बारे में सभी डिटेल्स जानना है, क्योंकि अगर आप कुछ जानते ही नहीं है जॉब के बारे में, मतलब जिस रिक्रूटमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड है अगर उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या फिर अगर क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं वो भी आप नहीं जानते, तो आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई करेंगे या फिर किस तरह से आप प्रिपरेशन लेंगे, तो आपको कंप्लीट डिटेल्स जानना है जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। AGM रोलिंग स्टॉक में एक ही वैकेंसी है और आपका सैलरी हो सकता है 1,20,000 के करीब। यहाँ पे जो भी पोस्ट होने वाला है वो उसका लोकेशन चेन्नई में ही होगा। जो JGM का पोस्ट है उसमें भी एक ही वैकेंसी है और आपका 1,00,000 के करीब मंथली सैलरी हो सकता है। फॉर द DGM पोस्ट इन द रोलिंग स्टॉक देयर इज ओनली 1 वैकेंसी एंड 90,000 आपका मंथली सैलरी होने वाला है। फॉर द JGM इन द डिजाइन देयर इज ओनली 1 वैकेंसी और आपको 1,00,000 के करीब मंथली इनकम दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। फॉर द DGM इन द सिविल मेंटेनेंस देयर इज ओनली 1 वैकेंसी एंड 90,000 वुड बी द मंथली सैलरी। For the manager post in civil maintenance, there are 2 vacancies and around 80,000 would be the monthly salary. For manager in the rolling stock, there is only 1 vacancy and you would be provided with 80,000 monthly. For DM in the rolling stock, या फिर जो AM है rolling stock में, उनके लिए भी एक ही vacancy है और यहाँ पे monthly salary होने वाला है 70,000. सो टोटल वैकेंसीज होता है 9, एंड कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में सभी डिटेल्स जान के ही अप्लाई करना। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इंटरेस्टेड हो, उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स तो जरूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स कौन से बेसिस पे जरूरी है? एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैच करता है तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। जैसे कि AGM इन द रोलिंग स्टॉक के लिए आपका BTech होना जरूरी है या फिर BE होना जरूरी है। अगर मैं BTech के बारे में बात कर रही हूँ तो BTech इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन मैकेनिकल और इन इलेक्ट्रिकल, और एक्सपीरियंस रहना चाहिए 17 साल का, 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप JGM रोलिंग स्टॉक में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका BE डिग्री होना जरूरी है या फिर BTech डिग्री होना जरूरी है इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन मैकेनिकल और इन इलेक्ट्रिकल, और आपका 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ DGM इन द रोलिंग स्टॉक देन आपका बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए इन BE या फिर इन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिकल और इन इलेक्ट्रिकल, एंड आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए 13 इयर्स। अगर आप JGM डिजाइन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका BE डिग्री रहना जरूरी है या फिर BTech इन सिविल रहना जरूरी है, 15 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ DGM इन सिविल मेंटेनेंस देन आपका BE डिग्री होना जरूरी है या फिर BTech इन सिविल डिग्री होना जरूरी है, एंड 13 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रहना भी जरूरी है। अगर आप मैनेजर इन सिविल मेंटेनेंस के पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो BE रहना जरूरी है या फिर BTech इन सिविल रहना जरूरी है। आपका टोटल इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए 7 इयर्स। अगर आप मैनेजर इन रोलिंग स्टॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन BE या फिर BTech डिग्री होना आपका जरूरी है, और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इन मैकेनिकल या फिर इन इलेक्ट्रिकल रहना जरूरी है, और ऑल टोटल आपका 7 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रखना है।
अगर आप डीएम के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर एएम के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन आपका बीई डिग्री होना जरूरी है या फिर बीटेक डिग्री होना जरूरी है। बीटेक डिग्री का मतलब है आइदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़े हो या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल लेके पढ़े हो, और यहाँ पे आपका 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो कुछ एज लिमिट भी होता है जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तभी जाके आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजीएम रोलिंग स्टॉक के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 47 इयर्स। जेजीएम रोलिंग स्टॉक के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 43 इयर्स। फॉर द डीजीएम रोलिंग स्टॉक मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 इयर्स। फॉर द जेजीएम डिजाइन मैक्सिमम एज होना चाहिए 43 इयर्स। फॉर द डीजीएम इन सिविल मेंटेनेंस मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 इयर्स। फॉर द मैनेजर इन सिविल मेंटेनेंस मैक्सिमम एज होना चाहिए 38 इयर्स। फॉर द मैनेजर इन रोलिंग स्टॉक मैक्सिमम एज होना चाहिए 38 इयर्स। फॉर द डीएम एंड द एएम इन द रोलिंग स्टॉक मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 इयर्स। देखिए ये एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन फिलअप करना है और ऑफलाइन एक एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी करना है। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए है, 300 रुपीज, और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज है। तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड होगा एंटायरली ऑन इंटरव्यू एंड मेडिकल राउंड्स, एंड अदर अगर कोई भी पोस्ट के हिसाब से कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होता है तो टेस्ट लिया जा सकता है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा एट द एड्रेस व्हिच आई एम जस्ट टेलिंग यू, जॉइंट जनरल मैनेजर दैट इज द एचआर इन द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड दैट इज सीएमआरएल डिपोट, एडमिन बिल्डिंग पूनामल्ली हाई रोड कुआम्बेडू इन चेन्नई, द पिन कोड इज 600107, एंड यू कैन गेट दिस एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम chennaimetrorail.org. दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम वेर यू कैन डाउनलोड इट, दैट इज इन स्मॉल लेटर्स chennaimetrorail.org, एंड द लास्ट डेट इज ऑन द 7th of January नेक्स्ट ईयर। सो ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल इफ यू आर सीरियस विद दिस। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन तो आपको चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू का राउंड हो, चाहे वो थ्योरी पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल राउंड हो, आपको प्रिपरेशन लेने की जरूरत है। और ये प्रिपरेशन आपको एक बेटर गाइड, एक बेटर मेंटर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये गाइडेंस आपको सौरभ सर क्लासेस में मिलेगा। हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, सॉल्व स्टडी मटेरियल्स, एंड हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस के साथ साथ क्रैश कोर्स फैसिलिटीज का भी लाइक प्रोविजन है, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज आर देयर। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं, जब चाहे, जब उनका मन चाहे व्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे क्लासेस के बारे में देन आप सौरभ सर क्लासेस का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पूरे डिटेल्स दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। या फिर अगर आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके ही कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स का भी हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको सभी बेनिफिट्स चाहिए देन टू एनरोल इन आवर क्लासेस एंड गेट द गाइडेंस। तो यही था हमारे क्लासेस के बारे में, एंड ऑल्सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लासेस।